ढोकला बनाने के लिए एक कटोरी बेसन, दो छोटा चम्मच रवा, दो छोटा चम्मच फ्रेश दही, एक छोटा चम्मच नींबू का रस, एक छोटा चम्मच चीनी, तीन छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल, आधा छोटा चम्मच राई, नमक, थोड़ा सा धनिया पत्ता, 8-10 कड़ी पत्ता, एक हरी मिर्च उसको इस तरह से बारीक काट लिए हैं, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच अजवाइन और आधा छोटा चम्मच इनो। सबसे पहले एक बड़ा बॉल में बेसन को डाल देते हैं, बेसन के साथ ही रावा को भी डाल देते हैं और आधा छोटा चम्मच चीनी को डाल देते हैं, दो चम्मच रिफाइंड ऑयल, दही, नींबू का रस और स्वाद अनुसार नमक, और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। पहले अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे हमें एक बैटर तैयार करना है। इस तरह से ढोकला का घोल तैयार हो गया है। अब इसे हम 10-15 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देते हैं। इधर एक पतीले में हम एक गिलास पानी को डाल देते हैं और इसमें हम स्टैंड को डाल देते हैं और इसे हम ऊपर से ढक करके गैस ऑन कर देते हैं और पानी में उबाल आने देते हैं। लगभग 10-15 मिनट हो गया, इसे हम चेक कर लेते हैं। अब इसमें हम हल्दी पाउडर, हरी मिर्च और अजवाइन को डाल देते हैं और इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अच्छी तरह से मिलाने के बाद में इसमें हम आधा छोटा चम्मच इनो डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी को डाल करके इसे हम अच्छी तरह से फटाफट मिला लेते हैं। फटाफट मिलाने के बाद में इस बर्तन में हम चारों तरफ से तेल को लगा दिए हैं। अब इसमें हम इसे डाल देंगे। और इसे हम यहाँ पानी में भी उबाला गया है। अब इसमें इसे हम ढक ढक करके और ऊपर से हम कवर करके लगभग गैस का फ्लेम को मीडियम करके लगभग 20-25 मिनट तक इसे हम पकने देते हैं। लगभग 20-25 मिनट हो गया, अब इसे हम चेक कर लेते हैं। इसे हम एक चाकू से देख लेते हैं, बिल्कुल चाकू क्लीन निकला। अब हम गैस को ऑफ करके और इसे हम निकाल लेते हैं, निकाल करके ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ढोकला ठंडा हो रहा है तब तक हम तड़का का तैयारी कर लेते हैं। गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं और इसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल को डाल देते हैं। इधर तेल भी गर्म हो गया है, इसमें हम राई को डाल देते हैं। राई के साथ ही हरी मिर्च को भी डाल देते हैं। और कड़ी पत्ता को भी डाल देते हैं और थोड़ा सा चीनी को डाल करके इसमें हम थोड़ा सा पानी को डाल देते हैं और पानी में उबाल आने देते हैं। पानी में उबाल आ गया, अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और तड़का को भी ठंडा होने देते हैं। ढोकला भी ठंडा हो गया है, अब इसे हम चाकू से किनारे किनारे इस तरह से कर देते हैं। इसके बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह से, और इसे हम
पीस में काट लेते हैं। ढोकला को सर्व कर लिए हैं। अब इसमें हम ऊपर से जो तड़का लगाए हैं उसे हम डाल देते हैं। थोड़ा धनिया पत्ता को भी डाल देते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।